नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन रेल पर। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 02217 महामना कोविड स्पेशल के बारे में। ये ट्रेन है वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में ट्राई वीकली ट्रेन है। इस ट्रेन का नंबर है 02217। इसकी थोड़ी इन्फो की बात की जाए तो 13 घंटे 10 मिनट में 7 हॉल्ट लेकर 774 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस 58 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से कवर करती है। ये ट्राई वीकली ट्रेन है, हफ्ते में 3 दिन चलती है। वाराणसी से ये मंगलवार गुरुवार और शनिवार को चलती है। दोस्तों इसमें आपको थर्ड एसी के कोचेस देखने को नहीं मिलते हैं और स्लीपर सेकंड एसी और फर्स्ट एसी के कोचेस लगते हैं और सेकंड सीटिंग के कोचेस अभी कोविड के चलते इस ट्रेन में लग रहे हैं। दोस्तों पेंट्री कार और ऑनबोर्ड कैटरिंग आपको इस ट्रेन में मिल जाएगी। ई कैटरिंग की सुविधा आपको इसमें प्रोवाइड नहीं की जाती है और रेडी टू ईट फूड भी आपको इस ट्रेन में मिल जाएगा। और इसका ये सिंगल डेडिकेटेड रेक है और इसका कोई रेक शेयरिंग नहीं है। और लोगों की बात की जाए तो वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में ये गाज़ियाबाद के वैप 7 या गाज़ियाबाद के वैप 5 के साथ चलती है। चलिए दोस्तों रेक कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें स्लीपर सेकेंड सेटिंग फर्स्ट एसी और सेकेंड एसी के डब्बे हैं। सेकंड सिटिंग के इसमें 2 से 4 डब्बे लगते हैं। 9 डब्बे स्लीपर के लगते हैं, 1 डब्बा फर्स्ट एसी का और 1 डब्बा सेकंड एसी का लगता है और 2 ईओजी लगते हैं। चलिए दोस्तों फेयर की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको जो भी फेयर बताऊंगा वाराणसी से नई दिल्ली तक का बताऊंगा। दोस्तों सेकंड सिटिंग का फेयर है 290 रुपये, फर्स्ट एसी का फेयर है 3,130 रुपये, सेकेंड एसी का फेयर है 1,865 रुपये और 495 रुपये फेयर है स्लीपर का। इसमें कोई थर्ड एसी का कोच नहीं लगता है और ये अपडेटेड किराया नहीं है, इसके लिए आप रेलवे की वेबसाइट ज़रूर रेफ़र करें। और इस ट्रेन में डायनेमिक फेयर भी लगता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं टाइम टेबल की। तो वाराणसी से ये हर मंगलवार गुरुवार और शनिवार को चलती है, शाम को 6:55 पर निकलती है। उसके बाद ये जौनपुर सिटी पहुंचती है 7:48 पर और 7:50 पर वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। जौनपुर सिटी के बाद में ये सुल्तानपुर जंक्शन पहुंचती है 9:06 पे और 9:08 पे सुल्तानपुर जंक्शन से ये ट्रेन चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये निहालगढ़ पहुंचती है। निहालगढ़ इसके पहुंचने का समय है 9:56 पे और 9:58 पे ये ट्रेन निहालगढ़ से चल पड़ती है। उसके बाद ये लखनऊ चारबाग पहुंचती है 11:48 पे और 11:58 पे ये ट्रेन लखनऊ एनआर से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है और 282 किलोमीटर वाराणसी से लखनऊ ये ट्रेन कवर कर लेती है। उसके बाद ये बरेली जंक्शन पहुंचती है 3:23 पे रात को और 3:25 पे रात को वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये मुरादाबाद जंक्शन पहुंचती है 4:55 पे सुबह में और 5:02 पे सुबह में वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 7 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद है गाज़ियाबाद जंक्शन पहुँचती है 7:18 पे और 7:20 पे गाज़ियाबाद जंक्शन से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद अपने डेस्टिनेशन नई दिल्ली पहुँचती है सुबह में 8:05 पे और वहाँ पर जाकर अपनी 773 किलोमीटर की जर्नी समाप्त कर देती है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो ये पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।